हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम था अभी प्रीवियस डेज में, वो था TFR 2019 मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके वन बाय वन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ग्रुप थ्योरी डिस्कस करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो ग्रुप थ्योरी हमारी जो यूनिट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें फ्रेंड्स, जब भी आप इसका कोई भी टॉपिक पढ़ते हो या फिर आप कोई भी स्टेटमेंट सुनते हो, तो आप उसे प्रूफ करने की कोशिश करो, तो आप ग्रुप थ्योरी में मास्टर हो सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम TFR का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ एच एंड एन आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन जी एंड इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी बाय एन एंड ऑर्डर ऑफ एच इज वन। यानी कि फ्रेंड्स, जो ऑर्डर ऑफ जी बाय एन और ऑर्डर ऑफ एच है, इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो वन के इक्वल है, देन एच इज कंटेन्ड इन एन। फ्रेंड्स, आपको या तो इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है, या फिर अगर आप इस स्टेटमेंट को फॉल्स बता रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा ढूंढना है जिससे हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। एच मेरा सब ग्रुप है जी का, और एन जो है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और जो ऑर्डर ऑफ जी बाय एन है और जो ऑर्डर ऑफ एच है, इन दोनों का जो जीसीडी है ना फ्रेंड्स, वो वन के इक्वल आ रहा है। तो एच एन के अंदर कंटेन होगा या नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, आपने जितने भी एग्जाम्पल लिए होंगे ना एग्जाम हॉल के अंदर, तो आपने देखा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा डिस्कार्ड नहीं हो रहा, तो आपको प्रूफ की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो आपने जो जो एग्जाम्पल सोचे होंगे, मैं उनकी लिस्ट बता देता हूँ। आपने ऐसे इनके बारे में जरूर सोचा होगा, क्योंकि ये बड़ा ही फेमस ग्रुप होता है। आपने सोचा होगा डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, इसे हम S3 भी बोलते हैं। या फिर फ्रेंड्स, आपने सोचा होगा Z6 के बारे में, आपने Q8 के बारे में सोचा होगा, या फिर K4 के बारे में सोचा होगा। तो अगर आप कुछ भी एग्जाम्पल लोगे ना, तो ये डिस्कार्ड नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूं। अगर मान लो आपने SN सोचा, तो SN के अंदर जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है ना AN, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये बड़ा ही फेमस रिजल्ट होता है, इसको हम ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्डर ऑफ SN बाय AN है ना, वो मेरा 2 के इक्वल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं एन के अंदर, वो एग्जैक्टली हाफ होते हैं जितने एलिमेंट्स एसएन के अंदर होते हैं। और ऑर्डर ऑफ एसएन बाय एन होगा ऑर्डर ऑफ एसएन डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन, तो वो मेरा 2 के इक्वल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, मुझे एक ऐसा सब ग्रुप ढूंढना है एसएन का, जिसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑड नंबर हो। मैंने ऑड नंबर क्यों बोला, क्योंकि मुझे इन दोनों नंबर्स को आपस में कोप्राइम दिखाना है। तो एक इवन नंबर और ऑड नंबर, ये आपस में हमेशा कोप्राइम होंगे। अब देखो, अगर मुझे किसी सब ग्रुप का ऑर्डर दिखाना है ऑड नंबर, तो फ्रेंड्स आप ऐसा करो, इसमें से कोई एक एलिमेंट पिकअप करो SN में से। ठीक है, आपने अगर कोई भी एलिमेंट पिकअप किया सिग्मा, तो जो सिग्मा से ग्रुप जनरेट होगा उसका ऑर्डर अगर ऑड आ रहा है ना, तो आप हमेशा ये देखोगे कि ये जो ग्रुप है ना, ये AN के अंदर कंटेन हो जाएगा। क्यों कंटेन हो जाएगा? क्योंकि जो कोई भी एलिमेंट है सिग्मा, उसका ऑर्डर क्या होगा, LCM ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। और अगर मुझे ऑर्डर को ऑड करना है, तो मुझे जो लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है वो सारी ऑड लेनी पड़ेगी। अगर वो सारी ऑड हुई, तो उन्हें इवन ट्रांसपोजिशंस में तोड़ा जा सकता है। तो यानी कि वो जो एलिमेंट है वो मेरा AN के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप SN से इसको डिस्कार्ड ही नहीं कर पाओगे, और या फिर आप S3 भी लोगे तो उससे भी डिस्कार्ड नहीं होगा। ये भी आप देख सकते हो कैसे S3 का जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, 1R, R स्क्वायर, S, RS एंड R स्क्वायर S। इसके अंदर जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो हमारा होता है 1R और R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसकी इंडेक्स 2 हो जाएगी। और फिर उसके अलावा अगर आप कोई भी सब ग्रुप देखोगे ना, तो जो उनका ऑर्डर होगा ना, वो 2 के इक्वल होगा। तो यानी कि आप S3 से भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और बाकी ये भी आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैं इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। देखो, अब अगर हम इसके प्रूफ की तरफ चलें,
अगर मुझे एच को सबसेट दिखाना है एन का, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? ए बिलोंग्स टू एच शुड इंप्लाई ए बिलोंग्स टू एन. ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देखो जी बाय एन है ना, क्योंकि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. तो जो जी बाय एन है इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ कोसेट्स ऑफ एन. इसका जो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए एन सच दैट ए बिलोंग्स टू जी. और जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है ना फ्रेंड जी वाई एन की, वो होती है एन. ये आपको ध्यान रखना है. अब देखो अगर मैं ए एन की पावर लिखूं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा आइडेंटिटी इक्वल होगा यानी कि एन. ये मेरा एन के इक्वल क्यों होगा? देखो जो मेरा एलिमेंट है ना ए एन, वो इस ग्रुप का एलिमेंट है जी वाई एन का, ठीक है. तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, अगर ऑर्डर ऑफ जी एन के इक्वल है और अगर कोई भी एलिमेंट जी में से आ रहा है, तो अगर मैं ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी लिख दूं तो वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है फ्रेंड्स. तो अब आप देखो जो जी वाई एन है ना, इसमें से मैंने एक एलिमेंट पिकअप किया ए एन. अब मैंने जो ए एन की पावर लिखी है वो लिखी है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एन. ये किस ग्रुप का ऑर्डर है? ये उसी ग्रुप का ऑर्डर है जिसमें से मैंने एलिमेंट पिकअप किया है. तो यानी कि अब इस एलिमेंट की पावर अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन लिखूंगा, तो वो इस ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल आएगा. और जो जी बाय एन ग्रुप है ना, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एन होती है. तो यानी कि ए एन की पावर ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन एन के इक्वल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स. अब आप देखो, अब अगर मैं ए एन की पावर लिखूं ऑर्डर ऑफ एच, अब मुझे ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एच, इसका जो जीसीडी है वो मुझे वन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है. हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे. अब देखो अगर मैं ए एन की पावर ऑर्डर ऑफ एच लिखता हूं, तो ये किसके इक्वल होगा? जो फ्रेंड्स ये मेरा ग्रुप ऑफ कोसेट्स होता है ना, अब इसमें अगर मैं ए एन को ए एन से मल्टीप्लाई करूं, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर एन, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. अगर आप ए एन को बी एन से ऑपरेट करो तो ए बी एन के इक्वल होता है. तो अब अगर ए एन की पावर में ऑर्डर ऑफ एच लिखूं, तो ये हो जाएगा ए की पावर ऑर्डर ऑफ एच टाइम्स एन. अब आप ऑर्डर ऑफ एच को कुछ नंबर मान लो, जैसे मान लो अगर ये 6 होता, तो ए एन की पावर 6 जो है वो ए की पावर 6 एन हो जाता. क्यों हो जाता? क्योंकि अगर ए एन की पावर ए एन है तो वो ए स्क्वायर एन के इक्वल होता है. अब अगर मैं ए एन को अगर मान लो मैं ए एन की पावर ए एन की पावर ऑर्डर ऑफ एच लिख दूं, तो मैं ए एन को ऑर्डर ऑफ एच टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो फ्रेंड्स ये बड़ी आसान सी चीज है, इसे आप देख सकते हो कि अगर मैं ए एन की पावर ऑर्डर ऑफ एच लिखूंगा तो ए की पावर ऑर्डर ऑफ एच एन, मुझे ये वाला कोसेट मिलेगा. ये सीधे कोसेट की प्रॉपर्टीज से प्रूफ हो जाता है. अब जो ए एलिमेंट है ना, ये ए जो एलिमेंट है ये मैंने एच में से लिया हुआ है. देखो ए बिलोंग्स टू एच, तो अब अगर मैं ए में से एलिमेंट ले रहा हूं और ए की पावर लिख रहा हूं मैं उस ग्रुप का ऑर्डर जिसमें से मेरा एलिमेंट है, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है. तो ये ई एन, और ये अगर आप ई एन वाला कोसेट देखते हो तो वो हमेशा एन के इक्वल होता है. एन मेरी ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, ठीक है फ्रेंड्स. अब एक और बड़ा ही फेमस रिजल्ट होता है कि अगर ए की पावर एम आइडेंटिटी के इक्वल है और ए की पावर एन भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ए की पावर जीसीडी ऑफ एम एंड एन ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है. तो अब अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करूं, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, और अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करूं, तो जो ए एन की पावर है ना जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एच, ये मेरा एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स. अब मुझे इसकी वैल्यू ना जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एच, इसकी वैल्यू मुझे 1 दी हुई है, तो मैं इसे 1 से रिप्लेस कर सकता हूं. तो जो मेरा ए एन की पावर 1 ए एन की पावर 1 ए एन होता है, तो जो मेरी ए एन की वैल्यू है ना वो एन के इक्वल होगी, ठीक है फ्रेंड्स. अब कोसेट्स के अंदर एक और बड़ा ही फेमस रिजल्ट होता है, अगर ए एन इज इक्वल टू बी एन आ जाए ना, तो इसे हम लिखते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन. अब देखो यहां से जो एन है एन को मैं लिख सकता हूं हमेशा ई एन, तो अगर ए एन और ई एन इक्वल हो गए, तो यहां से इंप्लाई करेगा कि ए ई इनवर्स बिलोंग्स टू एन.
और जो फ्रेंड्स ई का इनवर्स है वो किसी ग्रुप में हमेशा ई के इक्वल होता है, तो ए ही बिलोंग्स टू एन, और ए ही हमेशा ए के इक्वल होता है, तो ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बिलोंग्स टू एच ने क्या इंप्लाई कर दिया, ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि जो हमारा एच है वो एन का सबसेट प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, वो आपका होमवर्क है, आप उसे जरूर ट्राई करना और उस क्वेश्चन को भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप एक क्वेश्चन नोट करो, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ एच एंड के आर टू डिस्टिंक्ट नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ इंडेक्स टू, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ इंडेक्स टू, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी आर ऑफ इंडेक्स टू, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ फैक्टर ग्रुप जी बाय एच इंटरसेक्शन के इज 4 एंड जी बाय एच इंटरसेक्शन के इज नॉट साइक्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स किसी ने ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया ना, तो वो देखेगा कि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसका होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यहां पर अप्लाई होगी, और यहां पर फैक्टर ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहां पर कोसेट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहां पर नॉर्मल ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यानी कि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप इसको जरूर ट्राई करना, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।